शेर शाह का प्रारंभिक जीवन। पानीपत और घाघरा की लड़ाई में विजय प्राप्त कर बाबर ने न केवल एक नए राजवंश की स्थापना की बल्कि अफगान शक्ति की रीढ़ तोड़ डाली थी। दो बार की पराजय के फलस्वरूप अफगान शक्ति की रीढ़ तोड़ डाली थी। दो बार की पराजय के फलस्वरूप अफगान शक्ति बिखर चुकी थी। अफगान जातिगत स्वभाव के कारण क्रूर था। बचे खुचे अफगान हताश नहीं हुए थे। वे गुप्त रूप से अपनी सैन्य शक्ति को संगठित कर मुगल राजवंश की नींव रखने के लिए तत्पर थे। संयोग से शेरशाह उर्फ शेर खां जैसा योग्य सेना नायक जब उन्हें प्राप्त हुआ तो भारत के अनेक क्षेत्रों में बिखरे हुए अफगान धीरे धीरे शेरशाह के अधीन आकर एकत्र होने लगे। अफगानों के बीच राष्ट्रीय भावना जागृत कर शेर खां अंततः हुमायूं को निर्वासित कर पुनः भारतवर्ष में अफगान सत्ता कायम करने का संकल्प पूरा कर दिखाया। आगे चलकर शेरशाह के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था मुगलों के लिए आदर्श के रूप में काम किया। आज हम क्या क्या जानेंगे। शेरशाह सूरी का असली नाम, उसका प्रारंभिक जीवन, बायोग्राफी इन हिंदी। हिज अर्ली लाइफ। उसका बचपन का नाम फरीद खां था। उसके पिता का नाम हसन खां। शेर खां के जीवन की स्टोरी। हुमायूं के साथ संघर्ष, उसका साम्राज्य विस्तार, शासन प्रबंध, भू राजस्व व्यवस्था, धार्मिक नीति, उसके कार्यों का मूल्यांकन, उसके उत्तराधिकारी। शेरशाह का प्रारंभिक जीवन। शेरशाह का प्रारंभिक जीवन बाबर और अकबर से कम रोमांचकारी नहीं था। बचपन में शेरशाह का नाम फरीद खां था। उसके शेरशाह के पिता का नाम हसन खां और दादा का नाम इब्राहिम खां था। इब्राहिम खां घोड़े का व्यापार करता था, परंतु भाग्य का मारा इब्राहिम खां व्यापार में। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो माना जाता था। इसलिए वह नौकरी की तलाश में अफगानिस्तान से भारत आया। कालांतर में इब्राहिम का पुत्र हसन खां सुल्तान बहलोल लोधी का दरबारी बन गया और उसे जागीर भी दी गई। फरीद खां उर्फ शेर शाह का जन्म 1472 में हसन खां की पहली अफगान पत्नी से हुआ था। हसन खां अपनी नई पत्नियों पर अधिक मेहरबान था, इसलिए पिता की उदासीनता और सौतेली माँ की दुष्टता के चलते फरीद का बचपन संकट में व्यतीत होने लगा। तंग आकर शेर शाह 39 वर्ष की आयु में घर छोड़कर जौनपुर चला गया। जौनपुर आना फरीद के लिए वरदान साबित हुआ। जौनपुर विद्या का केंद्र था। फरीद ने परिश्रम करके अरबी और फारसी भाषा सीख ली। बाद में पिता के साथ उसके संबंध फिर अच्छे हो गए। उसके पिता ने उसको सहसराम और ख्वासपुर परगनों के शासन का भार सौंपा। कुछ ही दिनों में शेरशाह ने परगना के शासन को सुव्यवस्थित कर दिया। उसके पिता उससे बहुत प्रसन्न हुए, पर फरीद की विमाता के लिए ये सब असह्य हो गया। अपनी पत्नी के बातों में आकर फरीद के पिता ने अपने बेटे को सहसराम से निष्कासित कर दिया गया। पिता से क्षुब्ध होकर वह आगरा चला गया। उस समय इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान था। फरीद की फरियाद पर लोधी ने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि लोधी उसके पिता पर अधिक मेहरबान था। हसन खां की मृत्यु होने के बाद इब्राहिम लोधी ने फरीद को हसन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इस प्रकार एक बार फिर फरीद पैतृक जागीरदारी का अधिकारी बनकर सहसराम पहुंच गया। फरीद खां ने अपने सौतेले भाइयों को यथासंभव संतुष्ट रखने की चेष्टा की, पर ईर्ष्यावश वे फरीद के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। सौतेले भाइयों के व्यवहार से तंग आकर फरीद ने बिहार के शासक बहार खां की नौकरी स्वीकार कर ली। अपनी योग्यता से प्रभावित कर बहार खां ने फरीद को अपना समर्थक और संरक्षक बना लिया। कहा जाता है कि एक बार फरीद ने शिकार खेलते समय एक शेर को मार डाला। बहार खां ने फरीद की वीरता और साहस को देखते हुए उसे शेर खां की उपाधि दी।